नमस्ते आत्मिक खोजी, मैं आचार्य सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष रील में, जहाँ भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 32, 33 और 34 का विवेचन करेंगे। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, जिनके लिए हम साम्राज्य, आनंद और सुख चाहते हैं, वह यहाँ युद्ध के लिए तैयार है, धन और जीवन त्यागने को तैयार, तो इस साम्राज्य और आनंद का क्या लाभ? ये वह समय है जब अर्जुन का मन उसकी आदतों और भौतिक इच्छाओं के बंधनों में जकड़ा होता है। वह विचारता है, अगर मैं अपनी इच्छाओं का संहार करूं, तो मुझे भगवान का राज्य प्राप्त होता है, लेकिन क्या मैं उसे बिना इन सारी इच्छाओं के आनंदित कर सकूंगा? भारतीय शास्त्रों में शरीर को प्राकृतिक भ्रांति भरे 6 दोषों वाला बताया गया है। ये जन्मता है, ये अस्तित्व में है, ये बढ़ता है, ये बदलता है, ये घटता है और ये नष्ट होता है। फिर भी अधिकांश मनुष्य इस अस्थायी शरीर में स्थायी खुशी की आशा करते हैं। भौतिक सुखों के अनुभव की प्राथमिकता के कारण अहंकार उच्च स्तर की खुशी की कल्पना करने में असमर्थ और अनुच्छुक है। भक्त जो अभी भी इंद्रिय अनुभवों की आदतों से बंधा हुआ है, अब बोधन की प्रेरणा में भगवान के साम्राज्य का आनंद लेने का विचार करता है। वह विचारता है, अगर मैं सभी भौतिक इच्छाओं की सेनाओं का संहार करूँ, तो मुझे कौन सी ऊर्जा, कौन सी उत्साहिता या कौन सी रुचि बचेगी जिससे मैं नए आत्मशासित साम्राज्य का आनंद ले सकूं? ये विचारधारा जो अर्जुन की भ्रांति और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, हमें ये दिखाती है कि भौतिक इच्छाओं और आत्मा की अद्वितीयता के बीच का संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम भी अपनी आत्मिक यात्रा में अग्रसर हों और आत्मा की सम्राटता की खोज में अपनी अंतरात्मा से मिलें। प्रणाम।